फर्स्ट क्लास में आप लोगों को आई के ग्रुप एसिड के डेरिवेटिव्स वो एक्सप्लेन किए गए थे और उनके नाम बताए गए थे ठीक है आज इसमें कुछ ग्रुप बच्चे थे जैसे साइनाइड ठीक थायो ग्रुप अमीन ग्रुप ये सारे ग्रुप आज हम लोग इसमें देखेंगे कि इनके आई नेम कैसे निकलेंगे तो स्टार्ट करते हैं साइनाइड से साइनाइड आर सी एन ठीक है आर सी और एन के बीच में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है ठीक है आर सी एन ये कौन सा ग्रुप है हमारा साइनाइड ग्रुप ठीक है जैसे हर किसी का एक अपना आई पी सी नेम था तो इसका भी अपना आई पी सी नेम होगा इसका आई पी सी नेम क्या होगा एल नाइट्राइल एलकेन नाइट्राइल ये इसका आई पी सी नेम है अब जितने भी साइनाइड के नाम होंगे वो सारे नाम इसी एक नाम से निकलेंगे ठीक है एग्जाम्पल से देखते हैं जैसे सी एच थ्री सी एन सी एच थ्री सी एन ठीक है तो कितने कार्बन हैं दो कार्बन हैं दो कार्बन है। को क्या कहते हैं एथ कहते हैं तो नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे एथ रख दो नाम क्या हो जाएगा एथेन नाइट्राइल ठीक है कॉमन नेम अगर कहें तो मेथिल है और ये ग्रुप कौन सा है साइनाइड तो नाम क्या हो जाएगा मेथिल साइनाइड ठीक है ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा एक चीज़ और समझो जैसे कभी कभी इस ना लिखा होता है सी एन माइनस ठीक है जब सी एन माइनस लिखा होता है तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि माइनस का मतलब ये जो माइनस है वो एन के ऊपर है ठीक है जबकि ऐसा नहीं होता सी और एन ये जो माइनस होता है ये इस कार्बन पर होता है क्यों क्योंकि जैसे बॉन्ड अगर टूटेगा जैसे एच है या सी एस थ्री सी एन है अगर हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो यही तो बॉन्ड तोड़ेंगे ठीक है तो जैसे ये, ये प्लस टूटा है तो इसके ऊपर माइनस आया वो लिखने के लिए इस तरह लिख दिया जाता है ठीक है तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये जो माइनस है ये एन ही के ऊपर होगा ये माइनस किसके ऊपर होगा C के ऊपर होगा ठीक है N के ऊपर ये माइनस नहीं होगा जो माइनस जो होता है वो C के ऊपर होता है इसे हम कहते हैं इसका नाम क्या होता है इसे कहते हैं साइनाइड आयन कहा जाता है कभी भी किसी के ऊपर प्लस या माइनस होता है तो आयन वर्ल्ड ऐड किया जाता है ठीक है आगे देखो दूसरा एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है सी एच थ्री सी एच टू सी एन कितने कार्बन है अगर ग्रुप में कार्बन है तो इसको ऐड करना है वन टू थ्री थ्री कार्बन है थ्री कार्बन को क्या कहते हैं प्रोप कहते हैं तो नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल प्रोपेन नाइट्राइल ये क्या हो जाएगा इसका आई यू पी नेम हो जाएगा अगर कॉमन नेम निकालेंगे तो कॉमन नेम के लिए ये चेन लेंगे इस चेन में कितने कार्बन है दो कार्बन दो कार्बन को एथ कहते हैं नाम क्या हो जाएगा एथिल साइनाइड ये इसका क्या हो गया कॉमन नेम हो गया ठीक है ये हमारा साइनाइड ग्रुप है जैसे अब एक अलग नाम लिख के देखते हैं जैसे लिखा हुआ है सी एन सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एन और एक सी एन यहाँ पर भी लगा हुआ है ठीक है चेन ब्रांच हो रही है तो नंबरिंग होगी अगर चेन ब्रांच हो रही है तो नंबरिंग होती है नंबरिंग कहाँ से करें जहाँ से ग्रुप पास पड़े अब हम नंबरिंग के लिए वन नंबर इसको भी मान सकते हैं वन नंबर हम इसको भी मान सकते हैं ठीक है अगर मान लो कि हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है अगर इस साइड से नंबरिंग किया तो एक हमारा जो ग्रुप है वो वन पोशन पे पड़ रहा है ठीक है दूसरा हमारा किस पे पड़ रहा है थ्री पे पड़ रहा है और तीसरा जो हमारा पड़ रहा है वो कितने पड़ रहा है फाइव पे पड़ रहा है अगर मान लो हमने इस साइड से नंबरिंग की होती वन टू थ्री फोर फाइव इस साइड से नंबरिंग करने पर भी हमारा एक साइनाइट वन पे ही पड़ रहा है दूसरा साइनाइट थ्री पे ही पड़ रहा है और तीसरा साइनाइट फाइव पे ही पड़ रहा है मतलब दोनों तरफ से नंबरिंग तो हमारी क्या रहेगी सेम रहेगी ठीक है नंबरिंग तो हमारी सेम रहेगी अब नाम क्या हो जाएगा एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं सी एच टू सी एच सी एन सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एन नंबरिंग कहीं से भी कर सकते थे वन टू थ्री फोर फाइव देखो नंबरिंग हमने की है इस चेन की ठीक है जो छूट जाता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं अब यहाँ पर देखो ये साइनाइड क्या हो रहा है हमारा ये साइनाइड यहाँ पर हमारा छूट गया है तो अब इसको हम क्या कहेंगे इसको या तो हम कहें प्रेफिक्स कहें ठीक है या इसको हम क्या कंसीडर करेंगे साइड ग्रुप कंसीडर करेंगे तो साइड ग्रुप जब होता है साइनाइड तो साइनाइड के लिए साइड ग्रुप नेम हम क्या यूज़ करते हैं साइनाइड के लिए साइड ग्रुप नेम हम यूज़ करते हैं साइनो चेक करो यहाँ पर साइनाइड का देखो ये तो आई नेम हो गया जब ये साइड ग्रुप पड़ेगा जब इसकी नंबरिंग नहीं होगी तो हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे इसके लिए साइनो यूज़ करेंगे ठीक है तो अब इसका नाम कैसे निकालेंगे इसका नाम क्या निकलेगा देखो इसकी नंबरिंग तो हो नहीं रही है नंबरिंग तो इसकी हो नहीं रही है तो इसको क्या मानना पड़ेगा साइड चेन मानना पड़ेगा ठीक है साइड चेन या प्रिफिक्स मानना पड़ेगा तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे क्या नाम बनेगा इसका नाम हो जाएगा थ्री साइनो ठीक थ्री साइनो ये साइड ये हमारा प्रफिक्स हो गया अब हम मेन चेन पर आते हैं तो एक साइनेंट हमारा वन पर है एक साइन एंड हमारा फाइव पर है तो नाम क्या हो जाएगा थ्री साइनो पांच कार्बन को पेंट कहते हैं पेंट वन कॉमा फाइव डाई नाइट्राई ये क्या हो जाएगा इसका आई नेम होगा ठीक है समझ में आया फिर से देखो पहली बात हमने इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी लॉन्गेस्ट चेन हमको ढूंढने जैसे लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हो गया अब देखो लॉन्गेस्ट चेन में तुम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि तो जो सारे ग्रुप हैं उनकी पोजीशन तो सेम ही पड़ रही है ठीक है जो ग्रुप हैं उनकी पोजीशन तो सेम ही पड़ रही है तो नंबरिंग तो हमारी दोनों सही हो जाएंगी अब जब नाम नाम लिखने नाम लिखने की बारी है तो तुमने देखा जो एक साइनाइड है उसकी तो नंबरिंग ही नहीं हो रही है जब उसकी नंबरिंग नहीं हो रही है तो उसको हम क्या मानेंगे प्रेफिक्स या साइड ग्रुप नेम मानेंगे तो इसका नाम हम क्या लिख देंगे जि जिस जो हमारा प्रेफिक्स या साइड ग्रुप पड़ता है उसका नाम हमारा क्या लिखा जाता है पहले लिखा जाता है ठीक इसका नाम लिख दिया अगर यहाँ पर कोई और ग्रुप होता तो उसका नाम भी हम पहले पहले लिख लिख लिखते ठीक है अब यहाँ पर देखो एक साइनाइड वन पर है और एक साइनाइड फाइव पर है तो पांच कार्बन को क्या कहते हैं पेंट कहते हैं तो नाम हुआ पेंट एक साइनाइड वन पर है वन एक साइन एड फाइव पर है फाइव दो सेम ग्रुप पढ़ते हैं तो वर्ड क्या यूज़ करते हैं डाई और आई पी सी नेम क्या है नाइट्राइल ठीक है तो इसका नाम क्या हुआ थ्री साइनो पेंट वन कॉमा फाइव डाई ठीक है एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जैसे लिखा हुआ है एन सी सी एच टू सी ऊपर लिखा है बी आर और सी एन सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एन ठीक है ये ग्रुप है ये कंपाउंड है हमारा सी एन ठीक तो नंबरिंग हम करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव नंबरिंग तो हमारी सेम है नंबरिंग तो दोनों तरफ से करेंगे ग्रुप तो हमारे सेम पोजीशन पे पड़ेंगे चाहे इस साइड से करो चाहे इस साइड से करो ठीक है लेकिन जो छूट रहे हैं जिनकी नंबरिंग नहीं हो रही है वो हमारे क्या हो गया प्रिफिक्स अब इनका रहा हम पहले लिखेंगे तो देखो ये ब्रोमीन है और ये साइनो है ठीक तो जो साइड ग्रुप छूटते हैं पहले उनके नाम लिखते हैं लेकिन एक ब्रोमीन है एक साइनो है तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखेंगे पहले क्या आता है बी आता है तो क्या हो जाएगा थ्री ब्रोमो थ्री साइनो ये हो गए हमारे प्रेफिक्स पांच कार्बन को पेंट कहते हैं तो नाम क्या होगा पेंटेन ठीक है पेंटेन वन डाई नाइट्राइ ठीक है ये इसका क्या हो जाएगा आई नेम हो जाएगा ठीक है अब इसमें एक आई आपको दिया जा रहा है वो आप लोग करके बताइएगा कि उसका नाम क्या होगा जैसे सी एन सिंगल बॉन्ड सी एन इसका नाम क्या होगा सी एच टू सी एन सी एच सी एल ठीक है ये दो कंपाउंड है इसका आप लोग नाम बताइएगा क्या होगा ठीक है नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप आर एन सी ठीक है लिखने के लिए इसको ऐसे भी लिख देते हैं एन सी लेकिन लिखने का यही सही तरीका है ये क्या ये जो बॉन्ड है इसको हम कहते क्या इसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड कहते हैं आइसोसाइनाइड आई पी सी नेम एलकेन आइसो नाइट्राइल ये इसका आई पी सी नेम होगा अब जरा इस बॉन्ड के बारे में समझ लेते हैं देखो आर एन डबल बॉन्ड सी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास होते हैं चार इलेक्ट्रॉन ठीक है कार्बन के पास जो होते हैं जैसे ये लिखा है आर एन सी कार्बन के पास होते हैं चार इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होते हैं पांच इलेक्ट्रॉन तो ये देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है तीन होती है नाइट्रोजन की तो तीन वैलेंसी कंप्लीट हो गई लेकिन कार्बन की तो वैलेंसी कंप्लीट हुई नहीं है तो ये नाइट्रोजन क्या करता है अपने लोन पेयर क्या करता है इसको दे देता है ठीक है तो ये जो एरो होता है ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करता है जो इसके लोन पेयर को दिखलाता है कि इसने क्या दिए हैं लोन पेयर अपने दिए हुए हैं ठीक तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर बनता है कैसे लिखा जाता है आर एन डबल बॉन्ड ये एरो और सी जो एरो होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करता है ठीक है अब जरा देखो इसका नाम क्या हो जाएगा आई नेम क्या बताया है इसका एल्केन आइसोनाइट्रेल देखो अभी तक हमने ये बताया था कि अगर ग्रुप में कार्बन पड़ता है ठीक है ग्रुप में कार्बन पड़ता है तो उसके कार्बन को हम ऐड करते हैं ठीक है ग्रुप में अगर कार्बन पड़ेगा तो उसके कार्बन को हम क्या करेंगे काउंट करेंगे लेकिन एक यही ग्रुप है जिसमें हम क्या करते हैं ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं करेंगे ठीक है इसमें हम क्या करेंगे ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं करेंगे ठीक है तो जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया सी एच थ्री एन सी तो हम केवल इसमें इसी कार्बन को कंसीडर करेंगे ठीक कितने कार्बन है एक कार्बन एक कार्बन को क्या कहते हैं मैथ तो नाम क्या हो जाएगा मेथेन आइसो नाइट्राइल ये हो जाएगा इसका आई पी सी नेम ठीक है या मेथिल आइसोसाइनाइड नेक्स्ट ग्रुप है हमारा आर एन एच टू है हमारा अमीन कौन सा ग्रुप है अमीन या इसको हम प्राइमरी अमीन भी कहते हैं कौन सा ग्रुप है अमीन प्राइमरी अमीन भी कहा जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बता चुके हैं ठीक जरा देखो अब इसका आई नेम क्या होगा एल के ना माइन कहा जाता है क्या नाम हो जाएगा एल माइन जैसे मानो लिखा हुआ है सी एच थ्री एन एच टू ये इसका आई पी सी नेम है सारे नाम इसी से निकलेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा एक कारण को मेथ कहते हैं तो नाम रख दो मेथ तो नाम क्या हो जाएगा मेथे माइन ये क्या है इसका आई यू पी एस सी नेम है कॉमन नेम क्या हो जाएगा कॉमन नेम हो जाएगा मेथिल अमीन ये इसका क्या है कॉमन नेम है ठीक जैसे मान लो लिखा हुआ है सी टू एच फाइव एन एच टू दो कार्बन को एथ कहते हैं नाम रखो एथ नाम क्या हो जाएगा एथेना माइन क्या नाम हो गया एथेना माइन ठीक ये कॉमन नेम एथाइल अमीन तो ये तो हमारा प्राइमरी अमीन था ठीक अगर एक एच एक एच को यहाँ से रिप्लेस कर दें और एक आर को बढ़ा दें इसमें ठीक है तो ये हमारा कौन सा अमीन हो जाएगा सेकेंडरी आर एन एच आर देखो एक एच को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे हमने क्या बढ़ा दिया आर ये आर भी हो सकता है आर डैस भी हो सकता है आर डैस मतलब कार्बन नंबर सेम भी हो सकते हैं डिफरेंस भी हो सकते हैं ठीक अब ये हमारा कौन सा अमीन है ये है हमारा सेकेंडरी अमीन है ठीक है सेकेंडरी अमीन अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो हमारी दो चेन हो गई हैं एक चेन ये है और एक चेन ये है तो इसमें से किसी एक चेन को प्रेफिक्स चेन या न्यू चेन मानना पड़ेगा ठीक है कैपिटल एन जो होता है वो शो करता है न्यू को ठीक है और इस्मॉल एन जो होता है वो शो करता है नॉर्मल चेन को ठीक है न्यू चेन नॉर्मल चेन तो यहाँ पर हमारी दो चेन है तो इसमें से किसी एक को हम न्यू चेन मानेंगे ठीक तो न्यू चेन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे कैपिटल एन ठीक तो नाम क्या हो जाएगा एन एल किल एल के ना माइन ये इसका क्या हो जाएगा आई यू पी सी नेम हो जाएगा एग्जाम्पल समझो अब जरा देखो दो चेन हैं तो जिसमें हमारे कम नंबर के कार्बन होंगे ठीक वो नाम कहाँ जाएगा आगे और जिसमें हमारे ज़्यादा नंबर के कार्बन होंगे वो हमारा नाम कहाँ जाएगा लास्ट में एग्जाम्पल समझो जैसे लिखा हुआ है सी एच थ्री एन एच सी एच थ्री तो अभी देखो दोनों तरफ कार्बन के नंबर बराबर हैं तो कोई भी नाम कहीं रख सकते हैं एक कार्बन को मेथ कहते हैं नाम रखो मेथ तो नाम क्या बनेगा एन मेथिल एक कार्बन को मेथ कहते हैं नया नाम रखो मेथ तो नाम क्या हो जाएगा मेथे नाइन ठीक है कॉमन नेम अगर कहें तो कितने मेथिल हैं दो मेथिल हैं तो नाम हो जाएगा डाई मेथाइल अमीन ठीक है ये इसका क्या हो गया कॉमन नेम हो गया ठीक है जैसे मान लो कि कंपाउंड इस तरह से लिखा होता सी टू एच फाइव एन एच सी एस थ्री अब जरा देखो इस चेन में दो कार्बन है और इस चेन में कितने कार्बन हैं एक ही कार्बन है तो क्या बताया जिसमें कम नंबर के कार्बन होंगे वो नाम कहाँ जाएगा पहले और जिसका ज़्यादा नंबर के कार्बन होंगे वो नाम कहाँ जाएगा बाद में तो यहाँ पर देखो इसमें कम नंबर के कार्बन इसका नाम पहले रखेंगे तो क्या हो जाएगा एन मेथिल ठीक है दो कार्बन को एथ कहते हैं ए थेना माइन ये इसका क्या हो गया आई यू पी सी नेम कॉमन नेम लिखते हैं तो ये है एथिल ये है मेथिल ए बी सी डी में ई पहले आता है तो नाम क्या होगा एथिल मेथिल और ग्रुप कौन सा है अमीन एथिल मेथिल अमीन ये इसका कॉमन नेम हो गया ठीक है इसका नाम क्या होगा सी टू एच फाइव एन एच सी थ्री एच सेवन इसका नाम आप लोग निकालिएगा क्या होगा नेक्स्ट एक जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था प्राइमरी अमीन था ये प्राइमरी अमीन था एक एच हटाया आर जोड़ दिया सेकेंडरी अमीन बन गया अभी भी देखो एक एच है अगर इस एच को भी हटा दें इसमें फिर से आर जोड़ दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा टर्शेरी अमीन आर एन आर आर ठीक ये आर भी हो सकता है आर डैश भी हो सकता है ठीक है मेन सेम भी हो सकते हैं डिफरेंस भी हो सकते हैं ये हमारा क्या हो गया टर्शेरी अमीन अब इससे ऊपर अमीन नहीं बन सकता क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी ही कितनी होती है नाइट्रोजन की वैलेंसी ही तीन होती है ठीक अब जरा देखो यहाँ पर कोई एक होगी मेन चेन आर आर डैश आर डबल डैश कोई एक होगी इसमें से मेन चेन होगी ठीक है मान लो अगर ये हमारी क्या हो गई मेन चेन हो गई मेन चेन मतलब लॉन्ग चेन लॉन्ग चेन हो गई तो बाकी की चेन कौन सी हम मानेंगे न्यू चेन या प्रफिक्स चेन मानेंगे ठीक है बात समझो यहाँ पर यहाँ पर देखो तीन चेन हैं तो कोई एक ही मेन चेन होगी ठीक है कोई एक ही मेन चेन होगी बाकी की चेन क्या होगी न्यू चेन मानी जाएगी तो देखो यहां पर दो तरह से नाम निकलेंगे ठीक है मान लो कि ये मेन चेन है और ये हमारी क्या है साइड चेन है या न्यू चेन है तो नाम क्या हो जाएगा अगर ये दोनों न्यू चेन सेम है मतलब इन दोनों में सेम नंबर के कार्बन है तो नाम होगा एन नाम होगा इसका एन एन डाई एल किल एल के नाइन ये नाम होगा अगर ये चेन भी डिफरेंट हैं मतलब इनमें भी चार कार्बन के चेन कार्बन के नंबर अलग अलग हैं तब इनका नाम क्या होगा तब नाम होगा एन एल किल जब अलग अलग हैं तो डाई थोड़ी ना यूज़ करेंगे एनडेस एल किल एल के न माइन ये नाम यूज अब इन दोनों में से कौन सा नाम कब यूज़ होगा एग्ज़ाम्पल से देखते हैं जैसे मान लो लिखा हुआ है सी एस थ्री एन सी एस थ्री सी एस थ्री कॉन्सेप्ट सेम है जिसमें मोर नंबर कार्बन होगा वो नाम कहाँ जाएगा लास्ट में जाएगा मोर नंबर के कारण बाकी इनमें और इन में जाएगा तो ज़रा चेक करते हैं कार्बन के नंबर हमारे तीनों में सेम है कार्बन के नंबर तीनों में सेम सेम है तो किसी एक को हम क्या कर दें मेन चेन मान लें मान लो हमने इसको क्या मान लिया मेन चेन मान लिया तो जो बच रहे हैं वो क्या है सेम है तो जो बच रहे हैं अगर वो सेम है तो नाम हमारा कौन सा यूज़ होगा नाम हमारा यूज़ होगा डाई वाला ठीक अब इसका नाम क्या निकलेगा नाम निकलेगा एन एन डाई मेथिल एक कार्बन को मेथ कहते हैं नाम क्या हुआ मेथेना माइन ये नाम हो गया मान लो कंपाउंड ऐसा होता सी एच थ्री एन सी टू एच फाइव सी थ्री एच सेवन ठीक है सी थ्री एच सेवन अब जरा देखो इसमें एक कार्बन है इसमें दो कार्बन है इसमें तीन कार्बन है तो मेन चेन हमारी कौन सी हो जाएगी जिसमें ज़्यादा नंबर के कार्बन हैं ठीक ये तो हो गई हमारी मेन चेन हो गई ठीक है जो लास्ट में जाएगी अब जो बच रहे हैं उनमें क्या है कार्बन के नंबर डिफरेंट है जब कार्बन के नंबर डिफरेंट हैं तो नाम भी तो हमारा डिफरेंस वाला यूज़ होगा अब हम डाई लगा करके ये नाम थोड़ी ना लिख लिखेंगे कौन सा नाम यूज़ होगा ये नाम यूज होगा तो देखो नाम क्या निकलेगा एक मेथिल है एक एथिल है तो अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है तो नाम क्या होगा एन एथिल एंडस मेथिल तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं नाम क्या हो जाएगा पेना माइन ये क्या हो जाएगा इसका आई नेम हो जाएगा क्लियर हुआ कुछ अगर मान लो ये बताया गया है प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन टर्शेरी अमीन प्राइमरी अमीन में तो कोई दिक्कत नहीं है सीधे नाम निकल आएगा ठीक है जितने कार्बन है काउंट करके रख लिख देंगे नाम निकल आएगा लेकिन सेकेंडरी अमीन में क्या देखना है दो चेन में से जिसमें ज़्यादा नंबर के कार्बन होंगे वो नाम जाएगा लास्ट में जिसमें कम नंबर के कार्बन होगा हो वो नाम जाएंगे पहले ठीक तीसरे वाले में क्या देखना है टर्शेरी अमीन में क्या देखना है इसमें दो चेन इसमें दो न्यू चेन मिल रही हैं तो पहला पहला पॉइंट जिसमें ज़्यादा नंबर के कार्बन होंगे वो तो नाम जाएगा लास्ट में उसके बाद देखेंगे अगर जो चेन छूट रही है जो चेन छूट रही है अगर उसमें कार्बन के नंबर सेम है तो डाई वाला यूज़ करेंगे अगर कार्बन के नंबर सेम नहीं है डिफरेंस है तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें डिफरेंस डिफरेंस वाला नाम यूज़ करेंगे बात आई समझ में नहीं आई ठीक है ठीक इसी के ऊपर थोड़ा बड़ा कंपाउंड लेते हैं जिसमें एक दो ग्रुप हम ऐड करेंगे जैसे लिखा है एच सी ओ सी एच एन सी टू एच फाइव सी एच थ्री सी एच टू ओ सी टू एच फाइव ठीक है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शेरी तीनों अमीन बता दिए हमने तुमको ठीक है ये एक कंपाउंड हमने यहाँ पर लिया है अब देखें इसका आई नेम क्या होगा तो पहले चेक करें इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं तो देखो एक तो ग्रुप ईथर पड़ रहा है याद आया ईथर एक ग्रुप ये देखो कौन सा पड़ रहा है ये ग्रुप कौन सा है ये ग्रुप है सी एच ओ एल डी हाइड और एक ग्रुप कौन सा पड़ रहा है अमीन तो क्या पॉइंट होता था अगर एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा ग्रुप पढ़ते थे एक से ज़्यादा ग्रुप पढ़ते थे तो हम नंबरिंग उस ग्रुप से करते थे जो इन सब ग्रुप में क्या होगा सबसे बड़ा होगा ठीक एक ईथर भी है इसमें एक ईथर ग्रुप है ठीक है ईथर ग्रुप याद करो आर ओ आर बताया था ठीक एक इसमें कौन सा ग्रुप है टरशेरी अमीन है टरशेरी अमीन आर तीन तरफ से आर से सराउंडेड है ठीक और एक ग्रुप कौन सा है एच सी एच ओ एल डी हाइड भी है ठीक है ज़रा ये चेक करो एल डी हाइड ही तो है तो अब इन तीनों में से कौन सा ग्रुप हमारा क्या है बड़ा है तो अपना प्रियॉर्टी चार्ट देखते हैं पता चल जाएगा इसमें कौन सा ग्रुप बड़ा है जो ग्रुप बड़ा होगा उसका नाम लिखेंगे आई यू पी एस सी नेम बाकी जो ग्रुप छोटे होंगे उसके लिए नाम क्या लिखेंगे उनके साइड ग्रुप नेम लिखेंगे ठीक है तो जरा देखो यहाँ पर इसमें यह है एल डी हाइड पहले इसको रफ़ कर लेते हैं यह है एल डी हाइड हमारा ठीक है ये अमीन पड़ रहा है ठीक है ये हमारा क्या है अमीन है ठीक अब इसके नीचे इस अब देखो और ईथर कहीं इस चार्ट में दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना मतलब ईथर हमारा क्या होगा इसके भी क्या होगा नीचे होगा तो हमारा मेन ग्रुप कौन सा हुआ एल तो एल का तो हम आई नेम लिखेंगे और इसी ग्रुप से हम क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे अमीन के लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे साइड ग्रुप नेम क्या यूज़ करेंगे अमीनो अभी तक अगर मेन ग्रुप अमीन पड़ता था एल्केना माइन अमाइन जोड़ते थे लेकिन अब ये मेन ग्रुप तो है नहीं ये हमारा प्रेफिक्स है ये हमारा प्रेफिक्स है साइड ग्रुप है तो इसका हम साइड ग्रुप वाला नेम यूज़ करेंगे क्या अमीनो ठीक एल का कौन सा नेम यूज़ करेंगे एल का तो हम आई नेम यूज़ करेंगे अल बताया था ओ एल ऑल एल होता है ठीक ये नहीं यूज़ करना है ठीक अब देखते हैं इसका नाम क्या होगा हमारा जो है मेन ग्रुप हमको पता चल गया कौन सा है बड़ा ग्रुप बड़ा ग्रुप जो है वो हमारा है एल ठीक है तो नंबरिंग जो होगी वो कहाँ से होगी नंबरिंग हमारी एल की ओर से होगी ठीक है नंबरिंग कर लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ करके वन टू थ्री यही लॉन्गेस्ट चेन मिल सकती है नीचे उतर नहीं सकती क्यों क्योंकि एन बीच में बैठा है आगे बढ़ नहीं सकती क्योंकि ओ बीच में बैठा है तो यही लॉन्गेस्ट चेन हमारी इसमें हो सकती है ठीक है तो अब इसका नाम क्या होगा नाम कैसे निकालेंगे देखो जो साइड ग्रुप है पहले उनका नाम लिखो ठीक इस इसका हम नाम क्या लिखेंगे देखो ईथर का हमने तुमको नाम बताया था ईथर का नाम होता था ईथर का आयू नेम होता था L-कॉक्सी एल एलकेन यही तो होता था ईथर का आयु नेम एल कॉक्सी एलकेन तो ये नाम उठाया जाएगा ठीक है क्योंकि यही नाम हमारा पड़ रहा है इसके बाद तो और और ग्रुप हमारे कवर हो जा रहे हैं ठीक तो यही नाम हमारा यहाँ से क्या किया जाएगा उठाया जाएगा तो ये तो हमारा बन रहा है एथॉक्सी बन रहा है ठीक है इससे पहले इनके नाम देखो क्या हो जाएंगे ठीक है इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे अब जरा देखो यहाँ पर अमीन ये हमारा कौन सा है टर्शेरी अमीन है ठीक है दो दो चेन है एक को मानेंगे एन एक को मानेंगे एन डैस ठीक और इस पूरे की पोजीशन क्या है टू तो जरा देखो नाम क्या होगा इसका नाम होगा टू पर पड़ रहा है क्या टू पर पड़ रहा है अमीन ठीक है तो नाम क्या होगा टू टू पर होगा एन एथिल क्योंकि इन दोनों में एथिल पहले आएगा एन एथिल एंडस मेथिल ठीक है एंडैस मेथिल अब हम इसका नाम लिखते अगर ये मेन होता लेकिन ये भी साइड ग्रुप है तो इसका भी नाम साथ में लिख देंगे क्या लिख देंगे अमीनो क्या नाम हो गया अमीनो ये हमारा एक प्रेफिक्स खत्म हुआ ठीक एक प्रेफिक्स कौन सा खत्म हुआ एक प्रेफिक्स हमारा ये खत्म हुआ अब दूसरा प्रिफेक्स उठाएंगे इसको ठीक क्या नाम होगा इसका दो कार्बन को एथ कहते हैं एथॉक्सी लेकिन पोजीशन क्या है थर्ड तो नाम क्या होगा इसके आगे लिखा जाएगा थ्री एथॉक्सी दो कार्बन को एथ कहते हैं ना थ्री एथॉक्सी ठीक दोनों साइड ग्रुप हमारे दोनों प्रेफिक्स हमारे कवर हो गए ये भी कवर हो गया ये भी कवर हो, हो गया अब बचे कहते तीन कार्बन को कहते हैं प्रोप और मेन ग्रुप कौन सा है एल्डिहाइड तो नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल या प्रोपेन वन अल ठीक है वन लिखो चाहे ना लिखो नाम समझ में आया ये सब हमारे साइड ग्रुप पढ़ गए थे तो साइड ग्रुप जो पढ़ेंगे उनका नाम हम प्रोफिक्स नेम लिखेंगे जो मेन होगा उसी का तो आई पी नेम लिखेंगे तो जो साइड ग्रुप थे उनका नाम हमने पहले लिखा ठीक है एन एथिल मेथिल अमीनो ठीक है दूसरा साइड ग्रुप कौन सा बना एथॉक्सी, ठीक उसके बाद तीन कार्बन है तीन कार्बन थे तीन कार्बन को प्रोफ कहते हैं आई पी कौन है एल्डिहाइड? तो क्या नाम यूज होगा नाम क्या हो गया प्रोपेनल ठीक है तो इस टाइप के आईपीसी तुम लोगों को एन में काफ़ी देखने को मिलेंगे ठीक है एन में इस टाइप के आईपीसी तुम लोगों को देखने को मिलेंगे और इसी टाइप के नाम पूछे भी जाते हैं क्लियर है नेक्स्ट ग्रुप बचा हुआ है थाईल ठीक है कौन सा ग्रुप ये जो ग्रुप है था या ऑल हमारा जो यूज़ होता है एल्कोहल के लिए यूज़ होता है या इसका जो नाम होता है मरकैप्टन क्या कहा जाता है मर कैप्टन भी इसको कहा जाता है ज़रा देखो एस एच ठीक है ये ऐसे लिखें आर एस एच क्या नाम हो जाएगा एल्किल ठीक है जैसे मान लो कि किसी ग्रुप के साथ अगर ये यूज़ हो गया किसी ग्रुप के साथ जैसे मान लो लिखा हुआ है सी ओ एच 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 सी एच एच एस एच ठीक है तो अब देखो इसमें इसमें हमारा थाइल ग्रुप भी है और एल्कोहल भी है तो जब दो ग्रुप पढ़ते हैं तो हम इसमें देखते हैं कौन सा ग्रुप हमारा मेन ग्रुप है तो देखो एल्कोहल का प्लेस कहाँ है एल्कोहल का प्लेस से जस्ट ऊपर है ठीक है तो मेन ग्रुप हमारा कौन सा हो गया एल्कोहल हो गया ठीक है तो मेन ग्रुप हमारा कौन सा हो गया एल्कोहल हो गया तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं इस अब देखो इसको हम क्या यूज़ करेंगे इसका नाम हम यूज़ करेंगे अब हम इसका जो नेम यूज़ करेंगे वो हम थायोल नहीं यूज करेंगे क्या यूज़ करेंगे मर्केप्टो यूज करेंगे क्योंकि साइड ग्रुप पड़ रहा है ना ये बारा ठीक है तो साइड ग्रुप में इसको क्या यूज़ करेंगे मरकेप्टो यूज करेंगे नाम इसका हम क्या लिख सकते हैं बीटा मरकेप्टो ठीक दो कार्बन को एथ कहते हैं ठीक है नाम क्या हो जाएगा एथे नॉल ठीक नंबरिंग करना चाहो तो नंबरिंग भी कर सकते थे वन टू ठीक है तो क्या हो जाता टू मरकैप मर्केप्त, टू मरकैप्टो टू मरकैप्टो एथेनॉल देखो बीटा का क्या, क्या मतलब होता है ठीक है बीटा क्या होता है या अल्फा क्या होता है उसको समझ लो जैसे देखो जहां पर हमारा मेन ग्रुप जुड़ा है जैसे ये कार्बन की चेन है ठीक है ये कार्बन की चेन है यहां पर हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ठीक है यहाँ पर हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप है ठीक है तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला जो कार्बन होता है वो कहलाता है अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन और इसमें जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे उसके बाद वाला क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा उसके बाद वाला क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा ठीक तो देखो ये इसमें देखो हमारा ये मेन ग्रुप था ठीक है तो मेन ग्रुप वाला ये हो गया हमारा अल्फा ठीक इसके बाद वाला क्या हो जाएगा बीटा इसलिए हमने यहाँ पे क्या टर्म यूज़ किया था बीटा जैसे एक एग्जांपल और देखो जैसे लिखा हुआ है सी ओ सी एच थ्री अब ये हमारा कौन सा ग्रुप था ये हमारा ग्रुप कौन सा था ये हमारा ग्रुप था एसीटोन ग्रुप ठीक है ठीक है ये कौन सा ग्रुप है एसीटोन ग्रुप है अब ये हमारा मेन ये हमारा कौन सा हो गया ये तो हो गया हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप ठीक है ये हो गया हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया अब इसके बाद ये भी अल्फ़ा होगा ये भी अल्फ़ा होगा अल्फा क्या होता है जो मेन फंक्शनल ग्रुप है मेन फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद कार्बन जो जुड़ा होगा वो होगा हमारा अल्फ़ा कार्बन और उसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे वो हमारे क्या होंगे अल्फा हाइड्रोजन तो देखो इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप ये पड़ रहा है सी ओ पड़ रहा है पूरा तो इसके बाद जस्ट बाद ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है तो इसमें अल्फा कितने हो गए दो अल्फा हाइड्रोजन दो अल्फ़ा कार्बन हो गए और अल्फा हाइड्रोजन की अगर हम बात करें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे थ्री थ्री कितने हो गए सिक्स अल्फा हाइड्रोजन हो गए में आ रही नहीं आ रही है अल्फा कार्बन क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बीटा कार्बन या बीटा हाइड्रोजन क्या होता है इसी इतना हम लोग सॉल्व करते हैं ठीक है थीके? तो ये लगभग लगभग हमारे इसमें सारे ग्रुप कंप्लीट हो गए हैं ठीक अब हम इसमें कुछ स्टार्ट करते हैं लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है क्या टॉपिक हम लोगों का लाइन रिप्रेजेंटेशन लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है लाइन रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है हमारे सामने कुछ लाइनें खींची होंगी जैसे ये लाइन खींची अब कहा जाए कि इसका आई यू पी सी नेम क्या होगा ठीक है तो इसके लिए पॉइंट यह याद रखना जितने भी कॉर्नर्स हैं जितने भी कॉर्नर्स हैं और बीच में जितनी भी टर्निंग पड़ेगी उन सब जगह कार्बन होगा ठीक है जितने भी कॉर्नर हैं ठीक है और जो जो टर्न पड़ेगा वहां पर क्या होगा कार्बन होगा ठीक है जैसे यहाँ पर केवल दो, दो, दो ही कार दो ही कॉर्नर्स हैं तो यहाँ पे भी, भी कार्बन है यहाँ पे भी, भी कार्बन है ठीक है मान लो कि इस तरह से होता तो देखो ये दो तो कॉर्नर्स हो गए ठीक और ये एक टर्निंग पॉइंट हो गया है कि नहीं तो इसमें भी कार्बन है इसमें भी कार्बन है इसमें भी कार्बन है बास में आया नहीं आया ठीक है जैसे मान लो लिखा हुआ है इस तरह से तो ये और ये जो दोनों कॉर्नर्स हैं ये तो कार्बन है और जहां जहाँ पे टर्न हुआ है वहाँ पे भी कार्बन होगा मीन्स ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है क्लियर है जैसे मान लो लिखा हुआ है इस तरह से ही. तो जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर तो कार्बन है ही और जहाँ पर टर्न हुआ है वहाँ पर भी क्या है कार्बन है ठीक है तो इसे हम कहते हैं लाइन लाइन रिप्रेजेंटेशन अब इसका नाम नाम कैसे निकालेंगे तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है दो कार्बन है और दोनों कार्बन किससे जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ सिंगल बॉन्ड का मतलब हुआ एल्केन ठीक है सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ एल्केन ठीक तो दो कार्बन को एच कहते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथेन अब कहा जाए क्या इससे हम कंपाउंड भी बना सकते हैं तो देखो जरा ये लाइन थी एक कार्बन ये हो गया एक कार्बन ये हो गया कार्बन के कितने हाथ हो गए हैं इसका भी एक हाथ हो गया है और इसका भी एक हाथ कितने हाथ चाहिए तीन हाथ बाकी में क्या होगा एच होगा एच लगा दिया ये देखो हमारा क्या बन गया कंपाउंड बन गया ठीक इसका क्या नाम हो जाएगा वन टू थ्री तीन कार्बन है तीनों सिंगल बाउंड से जुड़े हैं ये भी अल्केन है तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं नाम क्या हो गया प्रोपेन ठीक है इसमें देखो कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो पांच कार्बन को पेंट कहते हैं नाम क्या हो जाएगा पेंटेन ये क्या हो गया इसका नाम हो गया अब जरा देखो इसका नाम क्या हो जाएगा अब हम ये नहीं करेंगे कि एक दो तीन चार पाँच इसका भी नाम पेंटेन लिख देंगे देखो यहाँ पर चेन ब्रांच हो रही है अगर चेन ब्रांच हो रही है तो क्या होगी नंबरिंग होगी ठीक है तो नंबरिंग हमको करना पड़ेगा लॉन्गेस्ट चेन देखनी पड़ेगी वन टू थ्री ठीक चाहे ये नंबरिंग लो ठीक है चाहे ये नंबरिंग लो चाहे हम ऐसे नंबरिंग ले सकते थे वन टू थ्री दोनों नंबरिंग हमारी सही है दोनों नंबरिंग में हम क्या देख रहे हैं दोनों नंबरिंग में हम ये देख रहे हैं कि अगर हम चाहे ऑरिजेंटल नंबरिंग लें चाहे वर्टिकल नंबरिंग लें इसमें दो कार्बन बिना नंबरिंग के छूट जा रहे हैं यहाँ पर भी देखो दो कार्बन बिना नंबरिंग के छूट जा रहे हैं तो जो ये कार्बन छूट जा रहे हैं ये क्या हुआ ये हुआ हमारा प्रफिक्स या साइड ग्रुप, ठीक तो इनका नाम हम पहले लिखेंगे अब ये कार्बन जो छूट रहा है ये असलित में कार्बन है क्या ये हमारा क्या है मेथिल है चेक करो कार्बन का एक हाथ हुआ है कितने हाथ चाहिए तीन चाहिए मतलब यहाँ पर क्या होगा तीन हाइड्रोजन इसमें भी क्या होगा तीन हाइड्रोजन तो यहां पे देखो क्या छूट रहा है ये मेथिल छूट रहा है Means, अगर मान लो कि किसी एक लाइन में एक ही कार्बन छूट रहा है ठीक है तो वो क्या है मेथिल लेकिन अगर किसी लाइन में ऐसे दो कार्बन छूट गए ठीक है तो वो क्या है हमारा सी टू एच फाइव क्या है एथिल है ठीक है तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा एक मेथिल वन एक मेथिल देखो एक मेथिल टू पर छूट रहा है और दूसरा भी टू पर छूट रहा है यहां पे भी चेक कर लो ये भी टू पर छूट रहा है ये भी टू पर छूट रहा है तो नाम क्या हो जाएगा टू कॉमा टू डाई मेथिल टू कॉमा टू डाई मेथिल तीन कार्बन को क्या कहते हैं प्रोप नाम क्या हो गया प्रो पेन ये क्या हो गया इसका नाम हो जाएगा क्लियर हुआ कुछ ठीक है जैसे मान लो कि इस तरह से लिखा होता यहाँ पर एक बॉन्ड होता ठीक है जैसे ये बना हुआ है और यहाँ पर क्या है एक बॉन्ड है तो मतलब ये कार्बन है ये कार्बन ये कार्बन कार्बन कितने कार्बन है एक दो तीन चार और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है ठीक मिस अब कह रही है एल्केन नहीं है एल्कीन है नंबरिंग देखो वन टू थ्री फोर चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं ठीक है और टू पर क्या पड़ रही है इन पड़ रही है तो नाम क्या हो जाएगा ब्यूट टू इन या टू ब्यूट इन ये क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा ठीक है जैसे मान लो कि ये लाइन होती ठीक तो देखो एक कार्बन तो कॉर्नर पर हो गया और यहाँ पर देखो बॉन्ड केवल सेंटर में लगा हुआ है ठीक है तो मतलब एक कार्बन ये भी होगा एक कार्बन ये भी होगा मतलब एक दो तीन चार और इसके बीच में क्या है ट्रिपल बॉन्ड है नंबरिंग वन टू थ्री फोर ठीक है चार कार्बन को हम क्या कहते हैं ब्यूट और टू पर आइन नाम क्या हो गया टू ब्यूटाइन ठीक है जैसे मान लो कि इस तरह से लिखा हुआ है ओ ओ अब कहा जाए ये इस इसमें कैसे नाम निकलेगा तो जरा देखो ये कार्बन हुआ ये कार्बन हुआ टर्निंग ये भी है मतलब ये भी कार्बन हुआ अब यहाँ पे कार्बन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीजन लिख ही दिया है कार्बन कहाँ होगा यहाँ होगा अब देखो ये कौन सा ग्रुप बन रहा है हमारा ठीक है देखो एक कार्बन ये है सी ओ ओ सी सी याद आया ये कोई ग्रुप ये ग्रुप कौन सा होता था ये किस में पाया जाता था ये होता था आर सी ओ ओ आर याद आया एस्टर फ्रूटी स्मेल ठीक है तो इसका नाम कैसे लिखते थे जो ये बाद में पढ़ता था इसका नाम पहले लिखते थे और इनका नाम मेन ग्रुप में जाता था तो इसका नाम क्या निकलेगा इसका नाम निकलेगा एथिल दो कार्बन को एथ कहते हैं एथिल दो कार्बन है नाम क्या हो जाएगा एथे नोएट ठीक है इसका नाम क्या होता था इसका नाम ऐसे तो लिखते थे एल्किल किल एल के नोएट समझ में आया याद करो बताया था ये जो लास्ट ये पढ़ रहा इसका नाम यहाँ और जो पहले पड़ रहा उसका नाम कहाँ जाएगा बाद में मेन ग्रुप नेम क्या होता था ओइट होता था ठीक है तो इस तरह से जो होते हैं लाइन रिप्रेजेंटेशन पूछे जाते हैं ठीक है कुछ लाइन रिप्रेजेंटेशन और देखते हैं और किस तरह से किस किस तरह से नाम पूछे जा सकते हैं जैसे मान लो कि कहा जाए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा अब ये कौन सा साइन होता है स्वास्थ्य चिन्ह होता है ठीक है तो देखो कार्बन 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 जहाँ जहाँ पर टर्न है वहाँ पे तो कार्बन हो गई कॉर्नर्स पे हो गए लॉन्ग चेन ब्रांच हो रही है चेन ब्रांच हो रही है तो नंबरिंग नंबरिंग देखो वन टू थ्री फोर फाइव यही नंबरिंग हो सकती है ठीक है ये ऐसा है वन टू ये दो तो नंबरिंग हमने की है दूसरी करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव कैसे भी देखो फाइव कार्बन की ही हमको लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी उसके बाद हम देखेंगे कि एक कार्बन यहाँ पर एक कार्बन ये एक कार्बन ये एक कार्बन ये छूट रहा है जिसकी नंबरिंग नहीं हो रही है ठीक तो ये साइड ग्रुप चलेगा इनका नाम क्या हो जाएगा इस चेन में चेक करो दो कार्बन छूट रहे हैं इस चेन में भी दो कार्बन छूट रहे तो याद करो बताया था एक कार्बन छूटता है तो वो मेथिल होता है दो कार्बन छूट रहा है तो ये क्या होगा हमारा एथिल होगा दो कार्बन छूट रहा है तो ये क्या होगा ए, एथिल होगा सी टू एच फाइव होगा ठीक हाइड्रोजन बैलेंस करके देख लेना अब देखो ये भी एथिल किस पोर्शन पर है थ्री पर है और ये भी एथिल कितने पर है थ्री पर है तो क्या नाम हो जाएगा थ्री कॉमा थ्री डाई एथाइल पांच कार्बन को हम कहते हैं पेंट तो नाम क्या हो जाएगा पेंटेन ठीक है इस तरह से हम लोग इसके लाइन लाइन रिप्रेजेंटेशन के नाम निकालते हैं चाहे तुम सीधे कंपाउंड इसका बना लो बता चुके हैं कॉर्नर्स पे कार्बन होंगे कॉर्नर्स पे कार्बन होंगे और जहां जहां पर टर्न है वहां वहां क्या होगा कार्बन होगा बात आ रही समझ में नहीं आ रही ठीक है आगे देखो जैसे मान लो कि अभी तक जितनी भी हमने चेन पढ़ी है वो सब देखो ओपन चेन है अगर मान लो कि चेन क्लोज हो जाए मीन्स इस तरह चेन बंद हो जाए कभी भी चेन बंद होगी तो एक रिंग बन जाएगी ठीक है उस रिंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं साइक्लो क्या यूज करते हैं साइक्लो अब इसमें कार्बन गिन लो जैसे गिनते हैं वन टू थ्री सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो नाम क्या हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन ये इसका नाम हो जाएगा ठीक है जैसे मान लो लिखा हो कहा जाए इसका नाम क्या होगा तो कार्बन काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रिंग बंद है तो पहला वर्ड यूज होगा साइक्लो कार्बन को हेक्स कहते हैं नाम क्या हो गया हेक्सेन, ठीक है जैसे मान लो कि इस तरह रिंग बनी हुई है अब इसमें एक डबल बॉन्ड भी आ गया ठीक तो रिंग बंद हो रही है तो वर्ल्ड क्या यूज़ होगा साइकिलो एक दो तीन चार पाँच कार्बन है लेकिन अब कह एल्केन थोड़ी ना डबल बॉन्ड है इन है तो नाम क्या हो जाएगा साइक्लो पेंटीन नाम हो जाएगा क्या नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटीन ठीक है जैसे मान लो कि नाम एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाते इसका नाम सभी को पता होगा इसे क्या कहते हैं बेंजीन कहते हैं लेकिन अगर आई यू पी सी नेम निकालने के लिए कहा जाए एक से ज़्यादा बॉन्ड है क्या होगी नंबरिंग होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नंबरिंग कर दिया ठीक है नंबरिंग करने के बाद पहला वर्ड हमने क्या यूज़ कर कर लिया साइक्लो ठीक कितने कार्बन हैं छः कार्बन हैं तो लिख लिया हेक्स अब जरा चेक करो एक डबल बॉन्ड पड़ रहा है वन पर एक डबल बॉन्ड पड़ रहा है थ्री पर और एक पढ़ रहा है फाइव पर ठीक तो क्या हो जाएगा हेक्स वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव तीन डबल वॉन्ड है तो ट्राई इन ये होता है बेंजीन का आई यू पी सी नेम ठीक है साइक्लो हैक्स वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव ट्राई इन ठीक है इसी तरह एक नाम ये भी देख सकते हैं जो डॉक्टर्स का सिंबल होता है कहा जाए इसका क्या नाम होगा ठीक है कार्बन देखो दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह रिंग बंद हो रही है तो नाम क्या हुआ साइक्लो बारह को हम क्या कहते हैं दस को हम कहते हैं दस कार्बन को हम कहते हैं डेक ग्यारह को मोनोडेक बारह को डो डेक सब सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या हो जाएगा डो डेक टेन ठीक है ये इसका क्या हो जाएगा नेम हो जाएगा क्लियर ठीक अब इसमें कुछ नाम हम आप लोगों को दे रहे हैं वो नाम आप लोग सॉल्व कर दिएगा क्या नाम होगा जैसे इसका क्या नाम होगा इसका क्या नाम होगा इसका क्या नाम होगा ठीक है ये आप लोग सॉल्व करिएगा आगे देखो कुछ लाइन रिप्रेजेंटेशन और देखते हैं अच्छा एक ग्रुप वाला भी देख लो जैसे ये लिखा हुआ है अब क्या नाम हो जाएगा रिंग बंद हो रही है तो सबसे पहले वर्ड यूज हो जाएगा साइक्लो कितने कार्बन एक दो तो, तीन चार पाँच छः कार्बन को हेक्स कहते हैं ग्रुप कौन सा लगाया है एल्कोहल तो नाम क्या हो जाएगा हैक्से नॉल इस तरह से क्या निकलता है ग्रुप वाले नाम निकलते हैं ठीक है थीक? अब कुछ दूसरे लाइन रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं जैसे एक आता है साइक्लो बाईसाइक्लो साइक्लो कंपाउंड कौन से होते हैं ठीक है बाईसाइक्लो कंपाउंड वो होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंटेन टू रिंग्स ठीक है जिसमें ऑर्गेनिक क्या करती है टू रिंग्स दो रिंग्स रखती है ठीक है दो रिंग जैसे दो रिंग जैसे जैसे पहला एक एग्जांपल है इसका जिसे हम कहते हैं इस्पाइरो बाई कंपाउंड कौन से होंगे जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो दो रिंग रखें दो रिंग कैसे जैसे एक स्पायरो है स्पायरो में जैसे ये बना हुआ है एक कंपाउंड जैसे लिया गया है अब कहा जाए इसका नाम क्या होगा देखो बाईसो इसमें दो साइक्लिक हैं ठीक है थीके? दो साइक्लिक हैं अब देखो इसका नाम क्या होगा कैसे इसका नाम निकालेंगे ठीक इसमें पहले कार्बन काउंट कर लें कितने कार्बन हैं ठीक है थीके? तो देखो एक कार्बन दो तीन चार पाँच छ सात और एक कार्बन कहाँ है बीच में है ठीक है ऐसी रिंग है ये ठीक है काउंट कर लो आठ कार्बन है तो जब इस तरह जब इस तरह की चेन हो जब बीच में इस तरह का पॉइंट बन रहा हो ठीक है तब हमारा जो वर्ड यूज क्या होगा स्पायरो यूज होगा तो हम यहां पे पहले लिख देते हैं स्पाइरो फोर कॉमा थ्री आठ कार्बन को कहते हैं ऑक्ट ऑक्टेन चलो हमको स्पाइरो समझ में आ रहा है कि जब इस तरह की चेन होगी बीच में ऐसा क्रॉस हो रहा होगा तो हम क्या यूज करेंगे स्पाइरो आठ कार्बन है सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ऑक्टेन भी हमें क्लियर हो गया ठीक है लेकिन जो इसमें हमने फोर थ्री लिख दिया है इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब यहाँ पर देखो जो दो साइकिल यहाँ पर ली गई हैं इसमें देखो एक दो तीन चार एक साइकिल में चार कार्बन है और दूसरे साइकिल में देखो कितने कार्बन है तीन कार्बन है ठीक है इन नंबर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ठीक ऐसा नहीं कि पहले हम थ्री लिख देंगे फिर फो, फोर लिखेंगे पहले फोर होगा फिर थ्री होगा अगर पहले हमने थ्री और फोर लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा ठीक है एक और एग्जाम्पल समझो जैसे मान लो कि कंपाउंड दिया है यहां पर ये कंपाउंड है स्पायरो है स्पायरो ब्रैकेट जहाँ पे इसमें नंबर लिखेंगे कार्बन चेक कर लेते हैं तो वन वन कार्बन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा डेक्टेन अब जरा चेक करो इसमें कार्बन कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव जो पहले चेन पढ़ रही इसमें कितने कार्बन है पाँच और इसमें कितने हैं वन टू थ्री फोर तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फाइव कॉमा फोर मीन्स पहली चेन में कितने कार्बन है फाइव और दूसरे में कितने हैं फोर ठीक है ये चीज इसमें शो कर रहा है ठीक जैसे ऊपर एक नाम लिखा था इसका नाम क्या हो जाएगा ठीक है इसका नाम कैसे निकालेंगे तो जरा देखो स्पायरो है तो हमने यहाँ पर लिख दिया इस्पायरो ब्रैकेट लगा दिया कितने कार्बन हैं एक दो तीन चार और एक बीच में पाँच तो नाम क्या हो गया पेंटेन नाम हो गया अब इधर भी दो हैं इधर भी दो हैं तो क्या लिखेंगे टू कॉमा टू क्लियर है ठीक है इसका नाम क्या होगा अब इसका नाम क्या होगा इसका नाम आप लोग बताइएगा क्या होगा ठीक है जैसे ऊपर वाले नाम लिख निकाले गए उसी तरह निकाला जाएगा इसका भी नाम ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा बाईसाइक्लिक में सेकंड जो है वो है हमारा फ्यूज्ड फ्यूज बाई साइक्लिक कंपाउंड फ्यूज साइक्लिक कंपाउंड कैसे होंगे जैसे एक रिंग ये है और इसी के साथ एक रिंग और फ्यूज हो गई है ठीक है ये हमारे क्या कहलाएगी फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक जरा ध्यान रखना स्पाइरो का स्पायरो कैसे बन रहा था और फ्यूज बाईसाइकिलिक कैसे बन रहा है अब इसका क्या नाम होगा ठीक है तो अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे इसमें हम यूज़ करेंगे बाईसाइक्लो बाई साइकिलो बाई अब यहाँ पे नंबर लिखे जाएंगे ठीक है नंबर लिखे जाएंगे कार्बन पहले चेक कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या हो जाएगा डेक्टेन डेक्टेन ठीक है अब इस चेन में देखो एक दो तीन चार कार्बन है इसमें भी एक दो तीन चार कार्बन तो क्या होगा फोर कॉमा फोर और साथ ही साथ इसमें जीरो भी लिखा जाएगा जीरो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जीरो ये रिप्रेजेंट करता है कि इन दोनों के बीच में इन दोनों कार्बन के बीच में और कोई भी चेन नहीं बन रही है ठीक है देखो इधर चार कार्बन थे इधर चार कार्बन थे तो फोर कॉमा फोर लिखा इसमें भी जो नंबरिंग लिखी जाएगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखी जाएगी लेकिन इसमें एक पॉइंट ये शो कर रहा है कि इसके बीच में कोई भी कार्बन यहाँ पर नहीं है ठीक है एक और नाम देखो जैसे मान लो दिया हुआ है ये एक रिंग बना देते हैं और इसमें अब देखो इसका क्या नाम हो जाएगा बाई यूज़ होगा तो यहाँ पर लिख लिया हमने पहले बाई ब्रैकेट लगा देते हैं कितने कार्बन हैं कार्बन चेक कर लें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है ठीक है तो नाम क्या हो जाएगा हेप्टेन हो जाएगा ठीक है अब इस साइड चेक करो वन टू थ्री फोर इस साइड चेक करो केवल कितने हैं इस साइड इस साइड कार्बन कितने हैं वन तो वन और बीच में बीच में कोई चेन है कार्बन की नहीं है तो क्या हो गया जीरो क्लियर हुआ एक और देखो जैसे मान लो लिखा हुआ है ये एक रिंग बनी हुई है और एक रिंग ये बना दी ठीक है और मान लो कि यहाँ पर हमने लगा दिया है बी आर और यहाँ पर हमने लगा दिया सी एच थ्री अब इसमें क्या निकल रही है चेन भी निकल रही है. ठीक तो हम क्या करेंगे इसमें नंबरिंग करेंगे नंबरिंग करते हैं नंबरिंग यहाँ से होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है ये नंबरिंग हमारी हमारी चलेगी क्यों क्योंकि क्यों इधर से जब नंबरिंग कर रहे हैं तो बी हमारा क्या पड़ रहा है पास कर पास पड़ रहा है इधर से नंबरिंग करेंगे तो एक ग्रुप क्या पड़ जाएंगे लॉन्ग डिस्टेंस में पड़ जाएंगे अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे नाम जैसे लिखा जाता है वैसे लिखेंगे लेकिन जो साइड ग्रुप पढ़ रहे हैं उनका नाम हम क्या लिख देंगे पहले लिख देंगे ठीक है तो देखो थ्री पर हमारा क्या पढ़ रहा है ब्रोमो और सिक्स पर क्या पढ़ रहा है मेथिल ठीक अब जैसे नाम लिखते थे वैसे नाम लिख नाम लिख दो क्या यूज़ होगा बाई साइक्लो ब्रैकेट लगा दिया ठीक कितने कार्बन बन रहे हैं सात बन रहे हैं तो नाम क्या हो जाएगा हैप्टेन ठीक है क्या नाम हो जाएगा सात कार्बन को हैप्ट कहते हैं नाम होगा हैप्टेन ठीक है अब इसमें ज़रा कार्बन चेक करो कितने कार्बन कहाँ पड़ रहे हैं तो देखो इस इस साइड पड़ रहा है एक दो तीन इस साइड पड़ रहे हैं केवल दो ये जो बाहर चेन है इससे नहीं मतलब है जो ये क्लोज चेन बन रही हैं इनके कार्बन को काउंट किया जाते तो क्या हो जाएगा थ्री कॉमा टू इंटू ज़ीरो ठीक ये कंपाउंड केवल इसलिए बताया है कि कोई, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी साइड के अब ये मत समझना कि हमेशा इसी साइड के कार्बन पहले लिखेंगे जो चेन में कार्बन है उनको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख कर चलना है क्लियर ठीक इसी में एक लास्ट आता है जिसे हम कहते हैं थर्ड क्या होता है ब्रिज बाई साइक्लो कंपाउंड ब्रिज बाई साइक्लो कंपाउंड ठीक अब यहाँ पे भी क्लियर होगा ये जो हम जीरो लिख रहे थे इस जीरो का क्या मतलब है ज़रा देखो जैसे मान लो कि कंपाउंड इस तरह से दिया है ठीक है अब इसका नाम क्या होगा बाईसाइकिलो तो ये भी है बाईसाइकिलो तो ये भी है तो वर्ड क्या यूज़ होगा बाई साइकिलो ठीक है नंबर की हमने क्या कर दी प्लेस छोड़ दी कार्बन काउंट कर लो कितने हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और एक कार्बन देखो कहाँ पड़ रहा है बीच में पड़ रहा है सात कार्बन को हेप्ट कहते हैं तो नाम क्या हो गया हैप्टेन कोई दिक्कत हेप्टेन अब देखो जरा ये जो बीच में चेन पड़ रही है ये हमारी मीडिएटर हो गई इसके इस साइड देखो कितने कार्बन है टू इस साइड भी कितने कार्बन है टू तो क्या होगा टू कॉमा टू और जबकि इसके बीच में भी देखो कितने पड़ रहा है एक कार्बन इसके सेंटर में पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वन वही चीज़ यहाँ पर बता रहे थे कि इसके बीच में ये देख रहे हो इसके सेंटर में कोई भी कार्बन यहाँ पर नहीं पड़ रहा था इसलिए यहाँ पर क्या टर्म यूज़ कर रहे थे जीरो जबकि इसमें क्या है बीच में हमारा सेंटर में कार्बन पड़ रहा है तो उसको हमने यहाँ पर वन में शो किया है बाकी नाम जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे एक और देखो जैसे मान लो कि इसी टाइप की एक हमने रिंग बना ली ठीक और ये दो टर्निंग दे दी ठीक है तो नाम क्या यूज़ होगा बाईसाइकिलों बाईसाइकिलों तो यूज़ होगा यहाँ पर हमने क्या छोड़ दिया नंबर का स्पेस छोड़ दिया कितने कार्बन हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या हो जाएगा ऑक्टेन अब जरा देखो इधर कितने कार्बन है दो इस साइड भी कितने कार्बन है दो और सेंटर में भी कितने कार्बन पड़ रहे हैं दो तो क्या होगा टू कॉमा टू कॉमा टू क्लियर हुआ ठीक है तो इस टाइप से जो है होते हैं हमारे इसमें नाम निकलते हैं अब कुछ नाम इस, इसके बेस पर दे रहे हैं जरा वो करने की कोशिश करना जैसे मान लो लिखा हुआ है इसका नाम क्या होगा ठीक है जो नंबरिंग इसमें भी होती है नंबरिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखी जाती है ठीक है इसका नाम क्या होगा और जैसे मान लो इसका नाम क्या होगा क्लियर हुआ इन दो कंपाउंड का नाम तुम लोग को बताना है कि इन दो कंपाउंड का नाम क्या होगा यहाँ पर जो है हमारा ये आई यू पी सी नॉमिन यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट होता है अब इसके रिकॉर्डिंग अगर तुमको कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे पूछ लेना लेकिन जितने भी हमने तुमको नाम दिए हैं एक बार उन नाम को करने की कोशिश करना ठीक है गलत सही जैसे भी हूँ इसके आंसर बताना इसका आंसर क्या होगा ठीक है इसी में एक और नाम जैसे इसका नाम क्या होगा ये भी नाम पूछा गया हुआ नाम है ठीक है बाईसाइक्लो थायो ग्रुप फिनो अल्कोहल एल्डिहाइड, लम्स लमसम ये सारे ग्रुप हमने तुम्हारे कवर कर दिए हैं ठीक है अब अगर इसमें और कोई और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम बाय कमेंट हमसे पूछ सकते हो ठीक है थैंक यू